छुड़ान वाले। यहोशू के मरण के बाद इस्राएली लोग न उनने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी, उनने परमेश्वर के नियम को पालन नहीं करी और उनने वह वाचा के देश से बचे हुए कनानी लोग न उन को बाहर नहीं निकाली। इसराइली नाउन ने अपने खरे परमेश्वर यहोवा को छोड़ के कनानी नाउन के देवता नाउन की उपासना करनो शुरू कर दे। इसराइली नाउन के जवर कोई राजा नहीं होती, एके गुना जे को जो सही लगत होती उन्हें उसीच करी। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानन के कारण इसराइली नाउन ने एक रीति रिवाज को शुरू कर दे, जे को कई बार दोहरायो गई थी। यो रीति रिवाज या तरीका से चली कुछ साल तक इसराइली परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने, तब उनको उनके दुश्मन नाउन से हराए के दंडित करे। ही दुश्मन इसराइली नाउन से उनकी चीज नाउन को लूट लेहेत, उनके संपत्ति को नाश कर देहेत और उनके में से बहुत को मार डाले। फिर जब इसराइली नाउन के दुश्मन उनके पे कई साल तक अत्याचार करे, ओके बाद इसराइली अपने पाप नाउन को पश्चाताप करे और परमेश्वर से उनको बचान के गुना प्रार्थना करे। हर बार जब इसराइली लोग पश्चाताप करे तो परमेश्वर उनको बचाए। हुई एक छुड़ान वाले के जरिया से असो करे, एक असो इंसान जो उनके दुश्मन के खिलाफ लड़े और उनको हराए, तब देश में शांति होए और हु छुड़ान वालों उनके पे अच्छे से राज्य करे। परमेश्वर ने हिन लोग नाउन को बचान के गुना बहुत सारे छुड़ान वाले को भेजे। परमेश्वर ने जवरज की एक दुश्मन जाति मिद्यानी नाउन के जरिया से इसराइली नाउन को हरान के गुना फिर से असो करी। मिद्यानी लोग नाउन ने 7 साल तक इसराइली लोग नाउन की फसल को लूटीन। इसराइली लोग बहुत डर गई थीं और ही गुफा नाउन में लुक गईं ताकि मिद्यानी लोग उनको ढूंढ नहीं सके। आखिर में उनको बचान के गुना उनको परमेश्वर को पुकारनो पड़ीस। गिदोन नाम को एक इसराइली मानुष होतीस। एक दिन हु एक सुनसान जागा में गेहूं को झाड़त होतीस ताकि मिद्यानी लोग ओको चोर नहीं सके। यहोवा के स्वर्गदूत ने गिदोन के जवर आय के ओके से कहिस, हे सुरवीर सुरमा, परमेश्वर तोरे संग है, जा और इसराइली लोग नाउन को मिद्यानी लोग नाउन से बचा। गिदोन के दादा के जवर मूर्ति को समर्पित एक वेदी होती। सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने गिदोन को करण के गुना कहिस, पहले वह वेदी को तोड़नो होतीस, मगर गिदोन लोग नाउन से डरत होतीस। एके गुना वो ने रात होन की बाट देखिस, तब उन्हें वह वेदी को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देस। तब उन्हें परमेश्वर के गुना एक नई वेदी को बनाईस और ओके पे उन्हें परमेश्वर के गुना बलि चढ़ाईस। अगले सुबेरे में लोग नाउन ने देखिन कि कोई ने वेदी को तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देन है। एके गुना ही लोग बहुत गुस्सा भइन, ही गिदोन को मार डालन के गुना ओके घर गईन। तब गिदोन के दादा ने कहिस, तुम काया अपने देवता की मदद करन की कोशिश कर रहे हो? अगर हु देवता आए तो ओको अपने खुद की सुरक्षा करे पाइजे। जब उन्हें असो कहिस तो एके गुना ही लोग नाउन ने गिदोन को नी मारिन। फिर इसराइली नाउन को लूटन के गुना मिद्यानी लोग दोबारा से आईन, ही इतने सारे होतीन कि उनकी गिनती नी करे जा सकत होती। गिदोन ने उनके खिलाफ लड़न के गुना इसराइली नाउन को एक संग बुलाई। गिदोन ने परमेश्वर से दो चिन्ह को मांगीस ताकि ओको विश्वास हो जाए कि परमेश्वर सच में ओको इसराइल को बचान के गुना बुला रही है। पहले चिन्ह के गुना गिदोन ने मेंढा के बाल को जमीन पे रख के परमेश्वर से कहिस कि सुबेरे की ओस सिर्फ मेंढा के वा बाल पे पड़े पर जमीन पे नहीं पड़े पाइजे। परमेश्वर ने असोच करी। अगली रात ओने परमेश्वर से कहिस कि
जमीन ओली हो जाए पर मेंढा के बाल सूखे रहे पाएजे। तब परमेश्वर ने असोच करीस ही दोई चिन्ह के कारण गिदोन ने विश्वास करीस कि परमेश्वर सच में चाहते कि हु इसराइली नाउन के गुना मिद्यानी नाउन से बचाए। फिर गिदोन ने सैनिक नाउन को अपने जवर बुलाईस और ही 32,000 मानुस आईन। मगर परमेश्वर ने ओके से कहीस कि ही बहुत ज्यादा है। तब गिदोन ने 22,000 को घर वापस भेज देईस जो लड़न से डरत होतीन। परमेश्वर ने गिदोन से कहीस ही मानुस अभी भी बहुत ज्यादा है। एक गुना गिदोन ने 300 सैनिक को छोड़ के बाकी सब पाई को घर भेज देईस। वह रात परमेश्वर ने गिदोन से कहीस मिद्यानी नाउन की छावनी में जा और हुन को बात करते हुए सुन। जब तू सुनबेन की ही का बात कर रहीन है तो तू हुनके पे हमला करन से नी डरबेन। एक गुना वह रात में गिदोन खल्ले हुन की छावनी में गईस और ओने एक मिद्यानी सैनिक को अपने संगी को यह बात बताते हुए सुनीस जो उन्हें सपना में देखे होतीस। वो मानुष के संगी ने कहीस यो सपना को अर्थ है कि गिदोनी सेना हमारी मिद्यानी सेना को हरा दे है। जब गिदोन ने यह बात सुनीस तो उन्हें परमेश्वर की स्तुति करीस। तब गिदोन अपने सैनिक नाउन के जवर लौटीस ओके में से हर एक को एक एक नरसिंगा एक माटी को बर्तन और मसाल देईस। तब हुन ने वह छावनी को घेर लेन जहाँ पे मिद्यानी सैनिक सो रही तीन। गिदोन के 300 सैनिक नाउन ने अपने मसाल को बर्तन से झाक ले होतीन। एक गुना मिद्यानी लोग नाउन की मसाल को उजाड़ो नहीं देख पाए होतीन। तब गिदोन के सपाई सैनिक नाउन ने अपने बर्तन को एकच समय पे तोड़ के अचानक से मसाल के आगे को प्रकट कर देन। हुन्ने अपने नरसिंगा फूकीन और यो चिल्लाइन यहोवा की और गिदोन की तलवार। परमेश्वर ने मिद्यानी नाउन को घबरा देस एके गुना ही एक मेक को मारन काटन लगिन। तुरुतज गिदोन खबर ली जान वाले को बहुत से इसराइली को मिद्यानी लोग को पीछा करन में उनकी मदद करन को बुलान को भेजिस। हुन्ने हुनके में से बहुत को मार डालिन और बाकी को पीछा करके उनको इसराइल देश से बाहर निकाल दें। वह दिन 120,000 मिद्यानी लोग मारे गईन। या तरीका से परमेश्वर ने इसराइल देश को बचाईस। ही लोग गिदोन को अपनो राजा बनानो चाहत होतीन पर गिदोन ने उनको असो नी करन देस। मगर हुन्ने हुनके से ही सोना को जेवर मांगीस जो हुनके में से हरेक ने मिद्यानी लोग नाउन से लूटे होतीन। ही लोग नाउन ने ज्यादा मात्रा में गिदोन को सोना देन। फिर गिदोन ने हु सोना से एक विशेष कपड़ा बनाईस जसो कि महायाजक पहनत होतीन। पर लोग नाउन ने ओकी उपासना करनो शुरू कर देन जसो कि हु एक मूर्ति होए। तब परमेश्वर ने दोबारा से इसराइल को दंड देस काया कि हुन्ने मूर्ति की उपासना करनो शुरू करे होतीन। परमेश्वर ने हुनके दुश्मन नाउन को हरान के गुना तैयार करीस। आखिर में हुन्ने दोबारा से परमेश्वर से सहायता करन के गुना प्रार्थना करीन और परमेश्वर ने हुनके जवर हुनको बचान के गुना एक दूसरे छुड़ान वाले को भेजिस। और याज बात कई बार घटी। इसराइली लोग पाप करीन और परमेश्वर ने हुनको दंडित करीस ही पश्चाताप करेत और परमेश्वर हुनको छुड़ान के गुना कोई को भेजे। कई साल तक परमेश्वर ने बहुत सारे छुड़ान वाले लोग भेजिस जिनने इसराइली लोग नाउन को हुनके दुश्मन से बचाइन। आखिर में ही लोग नाउन ने अन्य देश के सार को परमेश्वर से अपने गुना एक राजा की मांग करीन। ही एक असो राजा चाहत होतीन जो लंबो और शक्तिशाली हो और जो लड़ाई में उनकी अगुवाई कर सके। परमेश्वर को यो निवेदन पसंद नहीं आईस मगर उन्हें उनको वसोच राजा देस
जसी हुड ने मांग करे होतीन।